1 जुलाई को जन्मी बच्ची का नाम रखा जीएसटी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर इलाके की ग्राम बस्ती इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव में रहने वाले जगदीश प्रसाद सोनवानी के यहां 1 जुलाई को बेटी पैदा हुई। बेटी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पिता जगदीश प्रसाद ने अपनी बेटी का नाम ही जीएसटी रख दिया। गौरतलब है कि देश में 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था। पेशे से कारपेंटर जगदीश प्रसाद सोनवानी को लगा कि यह दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में जीएसटी लागू कर दिया गया है। उन्होंने अपनी पत्नी सरोजनी से बेटी का नाम जीएसटी नाम रखने की सहमति ली, फिर बच्ची की दादी से पूछा। दादी ने भी सहमति दे दी। इसके बाद नन्ही गुड़िया का नाम जीएसटी पड़ गया। बच्ची का नाम जीएसटी रखने के बाद जगदीश प्रसाद अचानक चर्चा में आ गए। लोग यह जानने और देखने को आतुर हैं कि आखिर वह कौन शख्स है जिसने अपनी बेटी का नाम जीएसटी रख दिया। यही नहीं, बच्ची जीएसटी और उसकी मां की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही है। गौरतलब है कि एक देश एक कर के सपने के साथ 1 जून 1930 जुलाई की मध्य रात्रि से जीएसटी लॉन्च हो गया है। इस मौके पर संसद में मध्य रात्रि में स्पेशल सेशन बुलाया गया था। जीएसटी लागू होने के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इसे स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है और पूरा देश एक जैसी कर व्यवस्था के साथ एक बड़ा साझा बाजार बन गया है।